कैन गैटरमैन कोच रिएक्शन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू फिडलक्राफ्ट असाइलेशन डिस्कस। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या उसको हम असाइलेशन की तरह मान सकते हैं, ये बताना है। तो देखते हैं फिडलक्राफ्ट असाइलेशन क्या होता है। इसका आंसर यस है। कैन यस डिस्कस रीजन बताना कैसे। फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में जो असाइलियम कैटायन होता है वो एरोमेटिक रिंग में ऐड हो जाता है। फिडलक्राफ्ट असाइलेशन का मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो बेंजीन है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? असाइलियम, मान लो ये असाइल क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या होता है? पहले तो ये असाइलियम कार्बोकैटायन जनरेट होगा, R C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4- से बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? असाइलियम कार्बोकैटायन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग पे, ये इस पे अटैक मारेगा। कैसे मारेगा अटैक? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पे अटैक मार देंगे। तो कौन सा बॉन्ड टूटा? यहाँ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सी डबल बॉन्ड ओ आर। यहाँ पे एच लगाई हुआ है पहले से, अब AlCl4 क्या करेगा? उस एच को पकड़ लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। यही होता है। सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस AlCl3 प्लस HCl बन गया ना ये। तो इसमें असाइलियम ग्रुप यहाँ पे लग गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है? देखो गैटरमैन कोच रिएक्शन में ना ये होती है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, आप बेंजीन लेते हो, पता है आप किसके साथ ट्रीट करते हो? CO प्लस HCl और कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, मान लो AlCl3, तो ये ना बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे तो ये तो यही लगाया ना आपने, आप ऐसे कर लेते। जैसे हमने असाइलेशन करा था, आप ये ले लो फॉर्माइल क्लोराइड ले लो ना, फॉर्माइल क्लोराइड लेके AlCl3 के साथ ट्रीट कर दो, और ये तो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन ही हो गया ना। ये इसको हटाओ यहाँ से और ये पूरा ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे। क्या ये फिडलक्राफ्ट असाइलेशन की तरह नहीं हो गया? तो आपने ये क्यों लिया, CO प्लस HCl क्यों लिया? बेंजीन के साथ आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। इसका कारण ये होता है अनस्टेबल। फॉर्माइल क्लोराइड क्लोराइड क्या होता है? अनस्टेबल, ये होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहाँ से लोगे आप? तो इसलिए आप क्या करते हो, CO प्लस HCl लेते हो, तो CO प्लस HCl प्लस AlCl3 ये मिलके ना ये वाला कैटायन जनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। जो आपको बनाना था साइलियम कार्बोकैटायन ये जनरेट कर देते हैं। फिर रिएक्शन तो असाइलेशन की तरह ही होती है, इसलिए गैटरमैन कोच रिएक्शन को असाइलेशन रिएक्शन से सिमिलर माना जा सकता है। क्लियर हुई बात? ये लिखा हुआ, ये तीनों मिलके क्या जनरेट कर देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो बस फिर ये इलेक्ट्रोफाइल असाइलेशन रिएक्शन करता है। इसका जनरेशन का मैकेनिज्म यहाँ शो किया हुआ, हालांकि ये मैकेनिज्म करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एच प्लस तो है ही, एच सी एल तो है ही ना, तो क्या करेगा ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे अटैक मार देंगे ऐसे, और सी एल बाहर क्या बन गया? सी एच डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव बन गया ये। अब क्या होगा? अब AlCl3 के ऊपर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये सी एच, एक सेकेंड हटा लेता हूँ। ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? जो सी एल माइनस है वो यहाँ अटैक मार देगा ऐसे, यहाँ अटैक मार दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, वो है ना, यहाँ सी एल लग गया, AlCl3, ठीक है बात है।
चलो अब क्या होगा, तो ये बन गया। अब इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहां से Cl इधर क्या बन गया, ये HC ये बन गया, आ गया पॉजिटिव चार्ज, और Al Cl4- बाहर हो गया। तो ये आपने जनरेट करवा लिया, ठीक है ना। साइलियम ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर चले जाएंगे, ये तो ये बन गया, तो ये साइलियम कार्बोकैटायन बन गया जो कि अटैक मार देगा। हालांकि ये मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है। सरोज जी तो मतलब क्यों यार,